झांसी के चिरगांव नगर में स्थित विद्युत उपकेंद्र पर लाइट की समस्या को लेकर काफी गांव के किसानों ने आकर धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि समय पर बिजली न मिलने के कारण उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं। वहीं आज किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष उमाशंकर राजपूत और गांव के किसानों ने आकर पावर हाउस पर धरना प्रदर्शन किया, जिस पर उन्होंने बताया कि बिजली न मिलने के कारण गाँव में पानी की काफी समस्याएं बनी हुई है। गौशाला में गायों को समय से पानी नहीं मिल पा रहा और किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। वहीं अधिकारियों से बात की जाती है तो अधिकारी अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठ जाते हैं। कई बार प्रार्थना पत्र देने के बावजूद भी आज तक बिजली की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। किसानों द्वारा धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही नायब तहसीलदार और एसडीओ मौके पर पहुंचे। किसानों को समझाया गया, उन्हें पूरा आश्वासन दिया गया, तब जाकर किसानों ने अधिकारियों की बात मानकर धरने को खत्म किया है। अधिकारी द्वारा पूरा आश्वासन दिया गया कि उन्हें सुचारू रूप से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इस मौके पर चिरगांव थाना प्रभारी निरीक्षक तुलसी राम पांडे, मोट कोतवाल अशोक कुमार व बड़ा गांव प्रभारी अपने पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। सर, आज यहां पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा था किसानों के द्वारा, क्या कुछ मांगे थी उनकी, किस कारण बस यहां धरना प्रदर्शन किया? यहां पे मुझे भी लगभग 11 बजे के लगभग जैसे विद्युत आपूर्ति गांव में नहीं हो पा रही थी, हमारा उसके संबंध में गाँव के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। तो दिक्कत ये है कि जो हमारे दो फीडर हैं इस फसल धान के सीजन में ओवरलोड हो जाते हैं और इस वजह से सप्लाई नहीं चल पा रही है। दूसरी चीज़ ये है कि ये अभी जो यहाँ पे इनसे वार्ता हुई, ये डिसाइड हुआ कि हम आपके गांव को सप्लाई देंगे लेकिन दो भाग में काट के देंगे, आधा हिस्सा एक बार में देंगे, आधा हिस्सा एक करके देंगे। और वही सेम चीज़ हम बराठा और करमा दोनों को किए। दूसरी चीज़ ये हमारी कि जो करगुआ जो हमारा फीडर है उसको RDSS में उसके क्योंकि ओवरलोड की वजह से पहले से ही प्लानिंग थी, क्योंकि पिछले साल को ऑलरेडी वो दो पार्ट में उसका दूसरा फीडर तैयार हो गया है, मशीनें भी लग गई यहाँ पे, 20 किलोमीटर की लाइन रह गई है, वो हो सकता है कि 1-10 दिन में तैयार हो जाए, उसके बाद हम उसको दो भाग में कर देंगे। तो इसकी समस्या और जो हमारा 8 MVA का ट्रांसफॉर्मर है उसकी भी क्षमता भी 8-10 के पास हो चुका है, वो भी जल्द से जल्द ही चेक कर बात हुई है, वो भी चेंज हो जाएगा, उससे समस्या का निदान हो जाएगा। मैं किसानों से यह अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी अपने कनेक्शन निजी नलकूप के लिए हैं आप लोग वो अपना चलाइए, क्योंकि हर मैं देखता हूँ हर किसान एक मोटर का कनेक्शन ले या दो दो तीन तीन मोटर चलाते हैं, दूसरों का भी चलवाते हैं, सफ़ेद डोरियाँ डालते हैं, ये सफ़ेद डोरियाँ इतना नुकसान करती है कि आदमी खेतों में जाता है, पैनल पड़ जाता है तो उससे देख भी होती है, कई लोग मर भी चुके हैं। तो मेरी अपील है कि भाई आप लोग ऐसा करेंगे, अगर आप लोग सहयोग करेंगे, किसान हमारे सहयोग करेंगे तो हम उनको विद्युत आपूर्ति सुचारू से दे देंगे। अच्छा सर, जैसे अभी कभी कुछ ग्रामीणों का आरोप था आपके कुछ विद्युत कर्मचारियों पर आरोप लगा रहे हैं पैसे का लेन देन का, ये क्या मामला है सर? अभी इससे पहले इन्होंने किसी ने हमें नहीं बताया, चाहते तो कभी बता सकते थे, इतने माध्यम है आपको मालूम है कि बिजली मित्र और इतने पोर्टल हैं, अगर कोई पैसा मांगता है या कोई गलत कर रहा है तो आप उससे शिकायत कर सकते हैं बिना अपना नाम बताए हुए, तो इन्होंने ऐसा कभी नहीं बताया। सामने आके बताया, उन्होंने एप्लीकेशन भी दिया है, फिलहाल बिजली व्यवस्था सही हो जाए तो जरूरत पड़ेगी तो जांच करके उसको हटवा दिया जाएगा। आश्वासन दिया गया किसानों को, उनको ये दिया गया, उनके कहने का मतलब उनका ये है कि हमें बिजली सुचारू रूप से नहीं मिल रही है, तो हमने ये कहा कि हम आपको देंगे पहले 8-8 घंटे का एक शेड्यूल बना कर देंगे, फिर अगर सही चलता है तो फिर देखेंगे और शेड्यूल बढ़ा देंगे। उनका SDM साहब भी आए थे अभी यहाँ पे, उनसे भी यही वार्ता हुई कि 8-8 घंटे का दिया जाएगा। कितनी देर में बिजली चालू हो जाएगी? अभी लगभग 1 घंटे में हम लाभ होते हैं। क्या नाम है आपका और आप इस समय धरना पर बैठे हुए हैं, तो क्या कारण है और किस जगह बैठे? विद्युत सब स्टेशन चिरगांव 33/11 पे यहाँ सभी किसान मौड़ बरल करगवा सिया और चिरगांव सभी किसानों के बीच में यहाँ बैठे हैं। विद्युत आपूर्ति बिल्कुल गड़बड़ है, व्यवस्था आपूर्ति 24 घंटे में 4 घंटे मुश्किल से किसानों को बिजली मिल पा रही है। JEE और यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका कभी कोई सही से रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कभी सही से किसानों से बात नहीं होती, फोन हमेशा अधिकतर बंद रहते हैं। किसानों की धान की जो पौध लगी है रुपाई तो बाद में है, पहले पौधे सूख रही है, रुपाई तो हो नहीं पा रही, वो बाद की चीज़ है, पहले तो पौध लगी, पौधे सूख रही है, इसलिए सभी किसानों की ये मांग है कि
सरकारी रोस्टर के हिसाब से विद्युत आपूर्ति की जाए, जिससे किसानों को समय से धान की रोपाई और भी फसल की बुवाई समय से हो पाए, ये सभी किसानों की मांग। अच्छा, देखा गया है जो ये लोग बिजली विभाग के जो ग्रुप बनाए हुए हैं उनमें ये लोग प्रकाशित करते हैं कि 24 घंटे में 18 घंटे बिजली सप्लाई हो रही है, 4 घंटे कट रही है, 2 घंटे, तो इसके बारे में आपका क्या है? सारे अधिकारी जे ई हो या यहाँ के जो कर्मचारी हो गुमराह करते हैं। यहाँ का जो रजिस्टर में है ये लोग लिखे हैं कि 20 घंटे विद्युत आपूर्ति कर्मचारियों में की जा रही है। अभी गए थे हमारे कुछ किसान भाई, उन्होंने देखा तो रजिस्टर पूरा मेंटेन किए हैं कि हम 20 घंटे सब आपूर्ति कर रहे हैं, 24 घंटे आपूर्ति कर रहे हैं, 18 घंटे आपूर्ति कर रहे हैं बिजली की, लेकिन धरातल पे हकीकत में 4 घंटे भी नम मुश्किल से बिजली मिल पा रही है। अच्छा, तो अभी आप यहाँ आए हैं तो किसी अधिकारीगण से बात हुई है क्या? अधिकारीगण सारे फोन स्विच ऑफ हैं, 9 बजे से बराबर बात हो रही है। माननीय विधायक जी से बात हुई, विधायक जी ने कहा कि SDO साहब आ रहे हैं, विधायक जी ने ये भी कहा कि जी साहब का फोन स्विच ऑफ है, आप लोग बैठो, SDO साहब आ रहे हैं, उनसे वार्तालाप करो शांतिपूर्वक और समस्या का हल। यदि जैसे आप लोग धरने पे बैठे हैं और आप समस्या का अभी समाधान नहीं निकला तो क्या कुछ आप आगे? तो सभी किसान भाई बैठे हैं जो मिल, जो सब लोग डिसीजन ले, जो होगा सबका किसानों का जो डिसीजन होगा, निर्णय होगा, वो हम सब लोगों का सामूहिक निर्णय होगा।